ਫਿੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯੂਐਸਸੀ ਪੀਟੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਆਦਿ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਰਾਏ ਮੁਤਾਬਕ ਰੂਟ ਸਿਪਾਹੀ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਬਹਾਦਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਰਿਕਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏਡਸ, HIV, ਡਰੱਗਸ, ਹੈਪੀਟਸ B ਐਂਡ C ਆਦਿ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਬਚਾਓ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੈਕਚਰ ਦਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਰਿਕਰੂਟਾਂ ਨੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿਕਰੂਟਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰਿਕਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ, ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, IPS ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ, IRB ਬਟਾਲੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਰਿਕਰੂਟਾਂ ਲਈ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਲਈ ਚੰਦ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਾਬ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਰ।
एएसआई प्रमोद कुमार जरूर जाओ प्लीज। एसआई तिलक राज सीबीआई सब इंस्पेक्टर गुरनाम सिंह बिल्कुल एक जवान की तरह शरीर में कोई नहीं बिल्कुल बढ़िया तालियां अपना भी श्री जनरल सिंह बेस पे एजिमेंट आईएसटीसी कपूरथला श्री एस के अग्निहोत्री डीपीएस कमांडेंट आईएसटीसी कपूरथला एक बार जोरदार तालियां कमांडेंट स्वामी बहुत बढ़िया बेसिक ट्रेनिंग एक जवान देती है उन्होंने अगुवाई है सारे ही इंस्ट्रक्टर्स ने उनका बेनती कहा था श्री एस के अग्निहोत्री कमांडेंट आईएसटीसी कपूरथला की ओर से पांच लोग और मैं बेनती करूंगा आज जो मुख्य मान जी हूं कि आज देश मौके पर छत्र और स्कैंडी के पाल पर श्री सुरेश कुमार अग्निहोत्री कमांडेंट ट्रेनिंग सेंटर श्री सुरेंद्र सिंह कमांडेंट सेवन आई आर पी कपूरथला आए हुए होर पुलिस अफसर साहबान मैंबर प्रेस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आए हुए पत्रकार सज्जनों और जवानों बैच नंबर 10 के 432 जवानों वालों पासिंग आउट परेड का बहुत ही वधिया प्रदर्शन किया गया है। ये जवान अज अपनी मुढ़ली सिखलाई पूरी करके बहादुर पंजाब पुलिस के मैंबर बन जा रहे हैं जिससे मैं इन्हों होनहार जवानों तह दिलों बधाई दिता हाँ। जवानों वालों किए गए परेड से वधिया प्रदर्शन तो यह जाहिर होता है कि इस सिखलाई केंद्र के स्टाफ वालों इन्हों जवानों बहुत ही वधिया सिखलाई दी गई है जिसका सिरा सिखलाई केंद्र के पूरे स्टाफ के सिर जाता है। इस करके मैं पूरे स्टाफ और कमांडेंट ट्रेनिंग सेंटर श्री सुदेश कुमार अग्निहोत्री को बधाई देता हाँ। मैं ये दसदा बड़ा फख्र महसूस हो रहा है कि आप जिस पुलिस फोर्स के मैंबर बन जा रहे हो उसका अतीत बहुत ही प्रभावशाली रहा है। आप वालों हमने ही जो सौ ली गई है मैं उम्मीद है कि आप इस अनुसार पूरे खरे उतरोगे और हरेक औखी तो औखी घड़ी हमेशा दी बड़े सुचजे ढंग निडर बहादुरी नवाते हुए पंजाब पुलिस का नाम रोशन करोगे। किसी भी देश की तरक्की लई उसकी अंदरूनी सुरक्षा का मजबूत होना बहुत जरूरी है। इस वजह करके पंजाब पुलिस की हमेशा प्रशंसा होती रही है कि उसने पंजाब की सुरक्षा को वक्त-वक्त समय से पैदा हुई खतरों को बड़ी भारी कुर्बानी दे के बखूबी निपटाया है। मैं इस संबंध में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता आप सब भली भांत जानो। ट्रेनिंग का व्यक्ति के जीवन में अहम रोल होता है और ट्रेनिंग में ही जवान अनुशासन बारे सीखता है। अनुशासन महकमे की नींह है और अनुशासन ही एक ऑर्गनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन अगे लेके जाता है। मैनू पूरी उम्मीद है कि आप अपने अपने जिले में जाके अपनी ड्यूटी पूरी लगन मेहनत और ईमानदारी नाल अनुशासन में रह के करोगे। मैं आप तो यह भी आस करता हाँ कि आप अपनी ड्यूटी दौरान कोई अजिहा काम नहीं करोगे जिस नाल जनता और पुलिस के संबंध अणसुथावे होने सिटे वजो पुलिस की इमेज से कोई माड़ा असर पवे। आपू यह दसना भी जरूरी समझा हाँ कि जिमें समाज में एड्स वर्गे भयानक रोग और नशीले पदार्थों की कुरीतियां बहुत बढ़ रही हैं और ट्रेनिंग दौरान आपू सेहत संभाल बारे वख-वख माहर डाक्टर ने लैक्चर करवा के विस्तार पूर्वक दसिया गया है। आपने इन्होंने भयानक बीमारियों नशिया के रोगों तो बच के रहना है
क्योंकि एक रोगी नशिया का आदि व्यक्ति अपने परिवार महकमे का महकमे से भार हों। मैं उम्मीद करता हाँ कि आप महकमे परिवार से भार नहीं बनोगे। अंत में मैं इस सिखलाई केंद्र के समूह स्टाफ और अफसरान बधाई दिता हाँ जिन्होंने इन जवानों पूरी मेहनत तनदेही सिखलाई दी है। इन जवानों हर पक्षों कामयाबी ड्यूटी करने योग बनाया है। मैं उन्होंने जवानों बहुत बधाई देता हाँ जिन्होंने अपनी मुढ़ली सिखलाई के दौरान वधिया कारगुजारी दिखा के इनाम हासिल किए हैं। इस ही मैं एक बार फिर तो इस फंक्शन से सहयोग समूह पुलिस अफसर मैंबर प्रेस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आए हुए सज्जनों का इतने आने पर धन्यवाद करता हाँ। जो जवान अब पास आउट होकर जा रहे हैं उन्होंने एक बार फिर तो बधाई देता हाँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मेरे को निष्कर्मण करने की आज्ञा प्रदान करें श्रीमान। ट्रेन को निष्कर्मण करने की आज्ञा स्वीकार दी और वापस अपने आयरन पर पहुंचते हुए ट्रेन कमांडर श्यामलाल, एएसआई प्रमोद सिंह, हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह अपने जवानों के साथ यहां वेपन हैंडलिंग किस प्रकार की जाती है। एक जवान के लिए होना बहुत जरूरी है मास्क की एक्सरसाइज, उसमें शरीर के सभी अंगों को व्यायाम दिया जाता है क्योंकि अगर जवान शरीर में उपस्थित है तो वो कोई भी काम हो अच्छे तरीके से कर सकता है। Thank you.
ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਪਨ फ्लावर बनाते हुए पर अभी ये लहराएगा फ्लावर झूमेगा महकेगा महकना सीखो बच्चों की तरह मुस्कराना बच्चों की मुस्कुराहट जिसमें कोई स्वाद नहीं होता और फूलों की तरह महकना सीखिए।
फूलों में आपसे कुछ लेना नहीं होता है, सिर्फ उन्होंने आपको सुगंध देनी होती है, महक देनी होती है, और बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन। एक बार जोरदार तालियां इन जवानों के लिए। इन जवानों ने बताया कि एक जवान के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ होना कितना जरूरी है, और फिजिकल फिटनेस के बाद वेपन हैंडलिंग। हमेशा टूटते रहे हैं वो शीशा तलाश कर जो पत्थरों को तोड़ दे, और यहाँ सिखलाई का एक बेहतरीन नमूना पेश करने जा रहे हैं 10 नंबर बैच के जवान। उनके इंचार्ज शाम आगे बढ़ेगा, बहने फुट भूमि बपुर बलिद साधु मैं प्रहेंड। ये देखिए खुली आंखों से कुछ ही सेकंडों में हथियारों का आपके सामने रख दिया। मुख्यतः तीन हथियार एक फर में देने चलेगा देने